ये देखो चेप चेप के भर रहे दोस्तों। कैसे यार? जो भी मरता है उसको याद करने के लिए ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों ये अपने पूर्वजों के आत्माओं से बात कर रहे हैं अभी, ये चीज है। ये देखिए, अपना ख्याल रखना, मतलब अभी वो बाहर चले गए, अभी ये देखो घूम के आएंगे, मतलब ये आत्माओं से बात। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी मैं हूँ मालावी देश में और मालावी देश के लिलोंगवे सिटी में, और आपको आज एक चीज देखने को मिलने वाली है। आज जा रहे हैं हम लोग चेवा फेस्टिवल देखने के लिए, और चेवा फेस्टिवल मतलब चेवा मतलब क्या है, चेवा आदिवासी है। तो यहाँ पे लोग कोई मरता है तो वो लोग डांस करते हैं, बहुत सारी चीजें, मैं उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा आपको। बोडा बोडा वाले के साथ खड़ा हुआ, और बोडा बोडा यहाँ पे बोडा बोडा बाइक जो भी चीज है, इससे हम लोग जाने वाले, उस गांव में जाने वाले हैं। तो जबरदस्त वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में बने रहे और दिखा दे आपको चेवा आदिवासी ट्राइब कैसी रहती है, वो दिखाऊंगा मैं आपको। पूरे सिटी में सड़क बन रहे ना, ये तो इतनी मिट्टी उड़ रही है ना दोस्तों, खतरनाक। ये देखिए ऐसी रहती है यहाँ की बाइक, ये मोजाम्बिक की बाइक है। और आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इनके पास लाइसेंस नहीं होता, इनके पास नंबर प्लेट नहीं रहती बाइक को, बहुत सारी चीजें आप देख लेना पिछले वीडियोज में। अभी सिटी के बाहर जा रहे हैं हम लोग, तो चलते मिलते बाहर ही मिलते हैं, बहुत मिट्टी उड़ रही है। दोस्तों अभी हम लोग देखने जा रहे हैं चेवा फेस्टिवल, मतलब जो चेवा फेस्टिवल क्या होता है, मतलब चेवा फेस्टिवल मतलब चेवा आदिवासी है, वो फेस्टिवल का नाम है चिगोमो और मालोमो। मालोमो मतलब ये दोनों फेस्टिवल का नाम एक ही है, मतलब जो नाम बताया मैंने वो एक ही है, चिगोमो और मालोमो। क्यों ये फेस्टिवल क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी लोग मरते हैं उनके याद में जब कोई मरता है उसी टाइम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि आत्माओं से बात करते हैं, और उसमें पूरे समुदाय एक गट्टा हो जाता है, चेवा आदिवासी भी एक गट्टा हो जाते हैं, और उसके पूरे रिलेटिव एक गट्टा हो जाते हैं। और उसमें वो खाना पीना करते हैं, डांसिंग करते, अलग अलग तरीके के फेसेस पहनते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के उनके पारंपरिक जो भी कपड़े होते हैं, पारंपरिक चीजें होती है, वो चीजें करती है, डांस करते है, म्यूजिक लगाते है, हर चीज करते। दुनिया में ये ट्राइब खाली तीन देशों में मिलती है, ये तीन देश कौन से है, मोजाम्बिक, जाम्बिया और मालावी। मालावी में सबसे ज्यादा ये लोग मिलते हैं। तो हम लोग इसको एक्सप्लोर करने वाले है, चिंगोमा मालोमा ये जो कोई फेस्टिवल है, और अपने गाइड का वेट कर रहे हैं, उसका नाम है क्रिकी, वो बहुत बड़ा अरेंजर है, तो उससे मिलने वाले है और वो उसका वेट कर रहे हैं। तो बड़ा बड़ा वाला अपना वहां पे खड़ा है, और ये कोई फिलिंग स्टेशन है यहाँ पे, उसने बोला था कि यहाँ पे रुक जाओ, तो वेट कर रहे हैं अभी। और जबरदस्त है यार, मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसी चीज देखने वाला होगा जहाँ पे लोग किसी के मृत्यु का त्योहार बनाते हैं। मृत्यु का त्योहार मतलब आप देखिए ना, हम लोग इमोशनल चीजें है, इमोशनल चीजें देखने को मिलता है इंडिया में, कोई मरता है तो हम इमोशनल हो जाते हैं, पर यहाँ पे अलग चीज है कि यहाँ पे मृत्यु का त्यौहार, उसके याद का त्यौहार, आत्माओं से बात, ये मतलब मैं शॉकिंग चीजें है मेरे लिए, और फर्स्ट टाइम देखने को मिलने वाला है। तो चलते हैं अभी, दिखा दे आपको, और क्रिकी का वेट करते हैं, क्रिकी कब आता है देखते हैं, और चलते हैं। क्रिकी आ गया, ये देखो अपना गाइड आज का, और ये ब्रो व्हाट्स योर नेम, इनो। तो चलते हैं, ये कार से जा रहे हैं अभी। दोस्तों अभी आपको देखने को मिलने वाला है कि मृत्यु का त्यौहार, मृत्यु का नहीं, ये श्रद्धांजलि का त्यौहार है, तो देखने को मिलेगा, मतलब जो भी कोई जो मरता है उसके याद में यहाँ पे डांसिंग होती है, बहुत सारी चीजें होते हैं। और ये क्रिकी है ना, ब्रॉक लेसनर जैसा दिखता है, मैंने ब्रॉक लेसनर अपने मैंने देखा था WWF में, यू लुक लाइक अ ब्रॉक लेसनर, बॉबी लेस्ली, सॉरी बॉबी लेस्ली, बॉबी लेस्ली, यू नो बॉबी लेस्ली, कुछ है। और इस कार से अभी हम लोग जा रहे हैं, विच विलेज नेम, विलेज या तो दोस्तों बोंडा मैंने आपको लास्ट टाइम दिखा था, तो उसी एरिया में जा रहे हैं, तो सही मजा आने वाला है। तो बाहर का नजारा देखिए, ऐसा कुछ नजारा है, और यहाँ पे ज्यादातर साइकिल ही दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग साइकिल ही यूज करते हैं, क्योंकि ये रूरल एरिया है उसके वजह से। तो सिटी में आपने देखा बड़ा बड़ा और कार ज्यादा दिखते हैं, तो चलते हैं अभी और दिखाते हैं और चीजें, आपको मजा आएगा। ये देखो चेप चेप के भर रहे दोस्तों, और दो चार बंदे डाल रहे है गाड़ी में, 5 सीटर गाड़ी है, और डिक्की में डाल रहे है, देखो डेंजर काम है यार इन लोगों का।
दोस्तों गांव का रास्ता चालू हो गया, ये देखो कच्चा सा रास्ता है, तो इससे जा रहे गांव धीरे धीरे। दोस्तों यहाँ पे गांव के बच्चे और खेल रहे हैं यहाँ पे पेड़ों पे, बचपन की याद दिला दी यार। से हेलो मुड़ीबान जी, मतलब हाउ आर यू मैंने पूछा। खेल रहे, खेलो खेलो। तो ऐसे कुछ बच्चे खेल रहे यहाँ पे पेड़ों पे, तो क्रिकी भाई को बोला यार जल्दी जल्दी दिखाओ क्या है तुम्हारा। और ये देखो ये बड़ा बच्चा है, बड़ा बच्चा से बड़ा बच्चा बड़ा बच्चा है ये से। तो दोस्तों कैसे हैं आप? कैसे हैं? हम अभी मालावी में है। मालावी के लोग बहुत अच्छे हैं। मालावी के लोग बहुत अच्छे हैं। आप इंडिया वाले भी अच्छे हैं। आप इंडिया वाले भी अच्छे। जोर से स्पीक लाउडर। आप इंडिया वाले भी अच्छे। आप इंडिया वाले भी अच्छे। ओके हेमंत खापरे ब्लॉग सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो। नहीं आ रहे, लंबा होगा तो नहीं आ रहे। दोस्तों यहाँ पे इनका संगीत चालू है, और जो पारंपरिक संगीत रहता है उसका वो चल रहा है। और अभी हम लोग आए इस चेवा लोगों के पास, चेवा आदिवासियों के पास। वो देखो संगीत स्टार्ट हो रहा है उनका, तो अभी ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे। इनका पारंपरिक नृत्य चालू हो गया, ये देखिए यार दोस्तों, चेवा पीपल चेवा आदिवासी यहाँ पे इनका डांस चालू हुआ है यहाँ पे, और जबरदस्त देखने को मिल रहा है। देखिए अपने मृत लोगों के याद के लिए व्यवहार बनाया जाता है, इसको बोला जाता है मालोमा और लिंगोमा। ये देखिए जबरदस्त देखने को मिल रहा है चीज यार दोस्तों, ये है चेवा आदिवासी। मतलब दोस्तों ये अपने पूर्वजों के आत्माओं से बात कर रहे हैं अभी, ये चीज है ये देखिए। और ये मुखौटे पहन के आए, ये देखो बच्चों का, ये देखिए अपने आत्माओं से बात कर रहे हैं, अपने पूर्वजों के आत्माओं से बात कर रहे हैं अभी, ये देखिए।
अगर आप इनके मुखौटे ऑब्जर्व करेंगे तो बच्चों के मुखौटे ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की ज्यादा मौत ज्यादा होती है, इसके कारण ये बच्चों के मुखौटे ज्यादा दिख रहे हैं आपको। देखिए ये देखिए ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत भूखमरी के कारण, बहुत बीमारियों के कारण बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मरते हैं, उनको याद करने के लिए, मतलब वही चीज है जो भी मरता है उसको याद करने के लिए ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये त्योहार कहाँ पे होता है, ये त्योहार मालवी देश के ये छेवा लोग के जो आदिवासी लोग है, आदिवासी ट्राइब है, उनके यहाँ पे होता है, उनके गाँव में होता है। ये त्योहार सेलिब्रेट कब करते हैं, जो मतलब उनके वर्ष साध्य, मतलब जो बोलते हैं ना कि साल में एक ही बार होता है, तो वो अलग से इसको बोला जाता है लिंगोमो मालोमो, वो चीज मैंने बताई थी आपको। और बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, पूर्वजों से बात कर रहे हैं, मतलब जो भी चीज रहेगी वो कर रहे हैं। जबरदस्त चीज है यार दोस्तों, मैं तो शौक हो गया। और ये ज्यादातर ट्राइब जिम्बाब्वे में देखा जाता है, जाम्बिया में देखा जाता है, मोजाम्बिक में देखा जाता है, और यहाँ पे तो 75 लाख तो ये चेवा पीपल है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी देश में चेवा पीपल की। तो जबरदस्त चीज देखने को मिल रही है यार दोस्तों, खतरनाक। ये देखो दोस्तों, इनके पूर्वजों के याद में रो रहे ये लोग। ये देखो यार, ये बहुत यूनिक चीज देखने को मिल रही है। फंक्शन में लोग दारू पी के भी आते हैं, मतलब ये आदिवासी लोग होते हैं वो थोड़े बहुत दारू भी पीते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए तो पीछे कुछ सिक्योरिटी भी रखे। और भाई साहब अपने रिकी भाई तो आपने देखा है, ओकी डोकी लेके घूम रहे हैं, लेकिन पूरा ओकी डोकी रहेगा, मतलब उसके टीम मेंबर से बात करते हैं, दो मेंबर है और ये ओकी डोकी से बात करते रहते हैं, कुछ जो भी चीजें रहती है। तो ये यूनिक सी चीज देखने को मिली, मतलब दुनिया में ऐसी एक ही ट्राइब है जो ऐसा करते हैं, जिसके फैमिली में से मरता है ना उसके रिलेटिव डांस कर सकते हैं, बाकी गांव वाले डांस नहीं कर सकते इनमें, क्योंकि वो ही याद कर सकते हैं अपने पूर्वजों को, उसको खाली एक देख सकते हैं और खाली उनको सपोर्ट कर सकते हैं, पर डांस और ये म्यूजिक गाना वो खाली वो उस घर के फैमिली के रिलेटिव लोग कर सकते हैं, बाकी लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते, मतलब वो हस्तक्षेप नहीं करते। ये देखिए ये चार पांच लोग है वही डांस कर रहे हैं और वही गा रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब ऐसा है कि वो जो भी चीजें हैं वो ये चेवा पीपल के, मतलब जो परिवार का जो भी चीजें जो भी मर जाता है, देखिए अभी अलग चीज हो रही है, ये देखो ऊपर चढ़े यार ऊपर चढ़े, तो मतलब जो भी रिश्तेदार रहते और फैमिली मेंबर रहते वही ये चीज सेलिब्रेट करते। ये देखिए वो देखो, मतलब अभी वो बाहर चले गए, अभी ये देखो घूम के आएंगे, मतलब ये आत्माओं से बात कर रहे हैं यहाँ के, उनके रिश्तेदारों के अपना जो भी जिनके उतने भी लोग मरे हैं उनके आत्माओं से बात करने का ये तरीका है। वो देखिए वो जा रहे, पूरे जंगल में जाएंगे, अभी अंदर जाएंगे। ये देखो ऐसी खुशियां बनाते हैं यार दोस्तों, ये देखो जबरदस्त। दुख में मृत्यु के त्योहार के दुख में जो गांव वाले होते हैं, हमारे गांव वाले भी एक मतलब एक गट्टा होते हैं और पूरा सेलिब्रेट करते हैं ये मृत्यु के त्योहार में। अभी ये किसी को श्रद्धांजलि वाहन आए थे और ये देखो, तो अभी देखो यार ये बहुत सारे लोग हैं, ये देखो उनका मतलब उनके आपस में उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ पे आती है, उनका शादी का कल्चर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इनके चाचाओं को पैसा देना होता है, मतलब यूनिक चीज पता चली समझो। ये डांस मतलब अभी ये डांस आपने देखा ही, पर इनकी शादी लड़कियों की, चेवा पीपल की लड़कियों की शादी कैसी होती है, मतलब वही पूरे अफ्रीका में एक ही चीज है कि कैटल देना होता है, गाय देना होता है लड़की के पिता को, जो लड़के वाला होता है वो। पर और एक चीज है कि इसमें और एक चीज आपको बता दूं कि ये लड़कियों को अगर पैसा देना होता है, मतलब कैटल और गाय नहीं देना होता है, तो पैसा किसको देना होता है पता है, लड़कियों के चाचाओं को, अंकल को, काका को। तो पीछे डांस हो रहा है, ये देखो पीछे डांस हो रहा है, तो ये लड़कियां ये शादीशुदा महिलाएं और ये डांस कर रही है पीछे, तो बहुत सारी चीजें यार, बहुत सारी चीजें जबरदस्त देखने को मिल रहा है ये चीजें। तो मैं बता दूं कि लड़कियों को काका को, लड़कियों के अंकल को पैसा देना होता है,
ये पैसे लड़कियों को बाप के लड़की को बाप को पैसा नहीं देना होता है। यूनिक चीज देखने को मिली यार, ये अफ्रीकन आदिवासी, ये चेवा पीपल, चेवा आदिवासी, वो उनका संगीत चालू हुआ अभी। इंडिया 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 मालावी चेवा मुड़ीबांजी। ओके ओके नाइस नाइस, मजा आया बहुत मजा आया हाँ, तो वीडियो देखना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मजा आया वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपना ख्याल रखना, सब्सक्राइब। ये हेमंत खापरे थैंक यू ये ओके। दोस्तों पूरा गांव इकट्ठा हुआ था यहाँ पे दुख बांटने के लिए, लोगों को मैंने बहुत हंसा यार दोस्तों, क्योंकि यार उनके यार दुख में तो हम लोग सेलिब्रेट किया उनका दुख भर, और उनका दुख सेलिब्रेट करके उनका डांस भी सेलिब्रेट किया। उनके दुख में हम लोग आए थे और उनके दुख में हम लोग शामिल हुए थे, उनके पूर्वजों को हमने श्रद्धांजलि अर्पण की, और बहुत सारी चीजें यार दोस्तों ये देखने को मिला। मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा श्रद्धांजलि अर्पण करने का समारोह देखा और बहुत सारी चीजें देखी। तो प्लीज आप कमेंट करके बताना दोस्तों, और आपको कैसा लगता है प्लीज कमेंट करके बताना। दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे बच्चे थे, तो कुछ अपने से कुछ पैसे दिए कि बच्चों के लिए कुछ लाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, तो कुछ खाने पीने की चीजें लाए, तो कुछ पैसे दिए, ये पूरे बच्चों को कुछ लाने के लिए पैसे दे दिए, तो उनको कुछ जो भी चीजें चाहेंगे, मतलब जो भी चीज़ खाएंगे वो लाएंगे, कुछ खाने पीने की चीज़ें रहेंगी, तो ऐसा होता है। तो आप प्यार देना वीडियो को, और कैसा लगता है प्लीज कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर। दोस्तों यहाँ पे हो गई लड़ाई, क्योंकि पैसे इनको पड़ गए कम, हर बंदे को ज़्यादा पैसे चाहिए, मतलब इनको कम पैसे लग रहे हैं अभी, ऑलमोस्ट इंडिया के 4-5 हज़ार रुपये दिए दोस्तों। ओ माई गॉड, ये देखो झगड़ा हो गया, मैं कुछ नहीं बोलता, यहाँ से भाग ही जाता हूँ। पूरे लोग पीछे दौड़ रहे यार दोस्तों, ये देखो पैसे दिए इनको यार, पूरे पीछे आ रहे, डेंजर यार, खतरनाक, वेरी स्केर्ड।